राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मंगलवार को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, जिसके क्रम में आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना परिसर में भी पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना प्रभारी सविंद्र राय ने सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई तथा लोगों को बताया कि अपने अपने कार्यस्थल पर रहते हुए ईमानदारी और जनता के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार अपनाएं, एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए मार्च पास्ट भी किया गया। एकता हमारे देश की पहचान है। एकता वीरता बलिदान को बढ़ावा देती है। भारत में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। इसे 2014 में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनकी भारत के राजनीतिक एकीकरण के रूप में प्रमुख भूमिका थी। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्रीय एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी अथक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।